Hey guys, and welcome back to my channel. So after two amazing super duper hit shows, मैं और आंटी आ गए हैं त्रिंबकेश्वर अपने महादेव के दर्शन करने के लिए और हम लोग हैं नासिक में और आंटी तो बहुत ही खुश है. हमारा कोई प्लान था नहीं क्योंकि एज सच कुछ ऐसा प्रिपरेशन करके मैं आई नहीं थी. सीधे बैंगलोर से नासिक आए थे तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, लुक एट व्हाट आई एम वेयरिंग, ओह गॉड. बट देन आई थिंक महादेव जब बुलाना चाहते हैं तो उनका एक अपना ही स्टाइल होता है बुलाने का. आंटी ने बोल दिया था महादेव अगर आपको बुलाना है तो बुला लो, क्योंकि हमारे ऐसे कुछ भी आसार नहीं बन पा रहे थे कि हम लोग महादेव के पास आ सके. पर देखिए इनकी कृपा कि हम फाइनली आ गए. सो आई एम सुपर हैप्पी एंड कोशिश करूँगी अगर अंदर फ़ोन अलाउड हुआ तो अंदर दर्शन आप लोग को भी कराऊँगी, अदरवाइज नहीं. आंटी चलो बाय गाइस. सुंदर लग रहा है? हाँ, धूप नहीं है ना तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में. धूप छाओ अलग बचपन में इन दुकानों के पास जा जाके मैं पापा इतना परेशान करती थी, ये चूड़ी खरीदनी है, वो खरीदनी है, ये पर्स खरीदो. मैं हमेशा ये दुकानों को देख के आज भी याद करती हूँ अपना बचपना. क्या नाम है आपका? कविता. अगर आप लोग यहाँ पे आए त्रिंबकेश्वर तो इस कविता से ज़रूर मिले, इसकी कविता ज़रूर सुने और इसे टीका ज़रूर लगाए और अपने दिल से जो आपको मानो वो देना. वो दिल से कुछ 200-300 रुपये 500 रुपये दे देना, 2000 दे देना. आ गए हम भोले बाबा के पास. हो गए दर्शन आंटी जी? बहुत बढ़िया. जादू है इस जगह पे, जादू. दर्शन हो गए हम लोग के और हम लोग आ गए बाहर. बड़े ही अच्छे दर्शन हुए हैं, आरती करके आए हैं हम लोग. मतलब अंदर जाके ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है जो आपको अपनी तरफ खींचता है और माने ऐसा सब ले लेते हैं. आपको लगा ऐसा? बस रोने की बारी है. आंटी वीडियो में भी रोती थी. इतना सुकून मिलता है ना यहाँ आकर. मतलब एक तो एक एनर्जी होती है. ऑफ कोर्स आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल. थैंक यू. एक तो हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, कितनी हिम्मत है इन लोगों में. कम टॉप पे सो यहाँ पे आई हैव रियलाइज कि दो टाइप से आप जा सकते हैं. फ्री में भी जा सकते हैं और वीआईपी पास जो है वो 200 रुपये का है. तो अगर आप लोग के पास वक्त है तो फिर आप आराम से फ्री में जा सकते हैं, अदरवाइज़ 200 रुपीज़ का पास है. आज कभी कभी उसमें भी भीड़ मिल जाती है पर आज हमें भी नहीं मिली है. बहुत टेस्टी चाय, बहुत ज़्यादा. जब भी आओ जरूर. उसके बाद हम चल दिए अपने घर की ओर. बम्बई सपनों का शहर, द सिटी ऑफ ड्रीम्स एज दे से. मस्त गाने सुनते हुए, बाहर के नज़ारे देखते हुए एक अलग ही मज़ा था. खुद को खुद ही रिकॉर्ड करते हुए क्योंकि अभी कोई और फोटोग्राफर तो है नहीं जो हमें रिकॉर्ड करेगा. सो अपने शॉट्स खुद ही लेते हुए और ये नज़ारों का मज़ा लेते हुए और कुछ पुराने गाने सुनते हुए. आंटी की शॉपिंग हर जगह चालू है.
गैस साफ करनी, किचन का सिंक साफ करना, इसको फिर हाथों में ऐसे ऐसे करना, ठीक है ना, एको प्रेशर करके ताकत आ जाएगी, फिर काम करेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर ऐसे कुछ पाव भाजी हो जाए हाईवे पे, स्टॉप बाय और हाफ पाव भाजी।